वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि आपने देखा, मैं रूम को ठीक ठाक करने में लगी हुई हूँ, तो ये बहुत सारे कपड़े पड़े हैं कल की धुले हुए। तो सबसे पहले तो इनको फोल्ड कर रही हूँ। और मैंने लास्ट व्लॉग जो शेयर करा उसके बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, तो कपड़े फोल्ड करना, बिस्तर उठाना, लाइक मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी फोल्ड नहीं किया था। तो जैसे कि आपने देखा, सब कुछ अभी फोल्ड करके रखा है। एंड प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करूँगी मैं, क्योंकि कल ही किया था बेडशीट वगैरह चेंज करके, सब ये निकाल के मॉस्किटो नेट, प्रॉपर डस्टिंग करी थी फर्नीचर वगैरह की भी। तो आज ये सब नहीं करूँगी, जस्ट थोड़ा सा जो डेली वाला क्लीनिंग रहता है ना, बस ऐसा क्लीन करना है, वही वाला करूँगी। एंड ये हैं कपड़े मेरे। तो ये एक स्ट्रेट कुर्ता है, और ये है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ये कलर बहुत सुंदर लगता है मेरे को स्पेशली। एंड इसकी कुर्ती दिखाती हूँ मैं। अब ये उल्टा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कल हम लोग बाहर गए थे ना। ये पिक्चर ठीक नहीं आ रही, रुक ये वन सेकेंड। कल हम लोग बाहर गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ कुछ फंक्शन था, वेडिंग था उनके रिलेटिव का। तो फ्रेंड के रिलेटिव का वेडिंग था, तो वहाँ गए थे। तो ये वाली मैंने कुर्ती पहनी थी, देखिए इस तरफ से इसमें वर्क है। एंड इसका स्पेशली कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर के लिए कारण ही मैंने इसे परचेज किया था। एंड तो मैं बहुत ज़्यादा रश में, लाइक बिल्कुल मैंने कुछ हैवी मेकअप भी नहीं किया था, एंड बहुत ज़्यादा रश में रेडी हुई थी मैं, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया वीडियो आप लोग से। एंड मैंने बोला था कि एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक मैं शेयर करूँगी। तो कल मैंने सोचा कि अभी मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं शूट कर लेती हूँ, बट टाइम नहीं था कैमरा अटैच करने का एंड शूट करने का, तो बस मैंने नहीं किया। और ये ड्रेस तो मैंने लोकल मार्केट से लिया है, मुझे ऑर्गेंजा जो रहता है ना मटेरियल बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा रिच लगता है, वो रिच लुक आता है। एंड बहुत ज़्यादा अभी चला हुआ भी है, बहुत इन है अभी, तो बस वही। इसमें सिंपल सा दुपट्टा है ऑर्गेंजा का, एंड सिल्क टाइप की कुर्ती है ये। सो मैं कपड़े फोल्ड करते करते बात कर रही हूँ आपसे। और चीनी और चीकू गए हैं अपने स्कूल। मैंने लास्ट व्लॉग में अपने बताया था कि चीनी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो एक दिन पहले उसने स्कूल एब्सेंट कर दिया था। बट आज थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है, लाइक मेडिसिन दिया था हम लोगों ने, तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो आज गई है वो स्कूल। एंड चीकू भी गया है, और चीकू के स्कूल में आज फैंसी ड्रेस था कुछ इवेंट, तो कम्युनिटी हेल्पर्स जो रहते हैं ना, लाइक फायरमैन, पुलिसमैन, डॉक्टर, ये सब जो रहते हैं जो हम लोग के हेल्प करते हैं, तो उन लोग के ऊपर एक स्पीच बोलना था चीकू को। उन लोग क्लास में जितने भी किड्स थे सबको बोलना था, तो चीकू को मैंने लाइक फायरमैन ये सब का तो मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल एंड सेफ उसको टीचर बना दिया। तो मैंने सिंपल सी पैंट शर्ट ही उसे पहना दी, वाइट शर्ट एंड एक ट्राउज़र पैंट। और उसको मैंने बहुत बताया है ऐसा ऐसा बोलना, बट वो आएगा तो पता चलेगा कि वो उसने कैसा परफॉर्म किया, या फिर मैं टीचर से पूछूंगी। सो बस यही है, चीकू की आज इवेंट है तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर होके गया है। तो उसने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना, वो गेटअप में गया था, पैंट शर्ट पहना जैसे मैंने बताया। और चीनी गई अपने यूनिफॉर्म में। और आज है फ्राइडे, तो चीनी का तो सैटरडे को क्लासेस रहती है, बट चीकू की ऑफ रहती है, चीकू के नहीं होते क्लासेस।
क्या बोलते हैं, यस बस आज उसका फैंसी ड्रेस है एंड कल एंड लाइक सैटरडे एंड संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी उसकी, तो मस्ती करेगा। और कल हम लोग जब गए फ्रेंड के यहाँ, जो मैंने बताया एक पार्टी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बच्चों को छोड़कर गए थे क्योंकि चीनी की तबीयत सही नहीं थी, जो मैंने बोला अभी आप लोग को। तो फिर कोई मतलब नहीं था उसको बाहर रात को 10 बजे फिर घर के बाहर लाइक ठंडी हवा में लेके जाना सेफ नहीं होता, इसलिए हम लोग चीनी को तो लेके जाना ही नहीं था। तो फिर चीकू को भी लेके नहीं गए क्योंकि फिर एक को बच्चे को लेके जाओ एंड एक को नहीं लेके जाओ तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एंड मेरे सिस्टर इन लॉ भी आ रखे हैं, तो उनके बच्चे एंड चीनी सब, चीनी चीकू सबको हम लोग छोड़ के गए थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। तो क्या बोल रही थी, यस डिनर में मैंने कढ़ी रोटी बनाया था सिंपल, तो कढ़ी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है। एंड अभी क्या कुकिंग वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सिंपल सा कुक कर रही हूँ अभी, मैं कुछ डिफरेंट सा बना रही हूँ तो उससे शूट भी नहीं कर रही। एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ है क्योंकि बच्चों की भी स्कूल खुल गई है ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जब मैं सुबह बच्चों को तैयार करके नाश्ता वाश्ता के लिए जब जाती हूँ, तो बहुत हड़बड़ी रहती है मुझे। तो उस टाइम तो मैं शूट करने का सोच भी नहीं सकती क्योंकि फिर दूसरे चीज़ों में लगे रहो ना तो फिर लेट हो जाता है बच्चों को, यही चीज़ें। एंड इसलिए मैं शूट नहीं करती। तो और रात को भी मोस्टली बहुत लाइट खाना चाहते हैं हम लोग, बहुत हैवी डिनर नहीं करते कोई भी हम लोग सब कोई, तो इसलिए भी मैं अभी काफ़ी दिन से नहीं बना रही कुछ, सिंपल रोटी सब्जी ही बना रही हूँ। तो कल भी मैंने कढ़ी और रोटी ही बनाया था, तो उसके उसे भी मैंने शूट नहीं किया। एंड बच्चों लाइक हम, मैं और मेरे हस्बैंड तो बाहर ही खा लिए थे, पार्टी में गए थे, तो बट बच्चों के लिए एंड इन लॉज के लिए भी बना के गई थी मैं। और आते आते हम लोग को ऑलमोस्ट 11 PM हो गया था, फिर भी काफ़ी लेट नहीं हुआ, 11 बजे थे बस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे हम लोग ना, थोड़ी देर ही रुके वहाँ पे। और क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स से मिले, डिनर किया, थोड़ी बहुत गपशप एंड बस आ गए थे 11 बजे हम लोग। और गए हम लोग थे 8:30 को, तो बस यही है। आए तो मैंने चीनी को बोल के गया था कि खाना खा लेना और मेडिसिन ले लेना एंड सो जाना क्योंकि फिर लेट हो जाएगा हम लोग को आने में और सुबह उन लोग की स्कूल रहती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है आके, फिर उन लोग को सुलाने से काफ़ी लेट हो जाता, इसलिए हम लोग जब आए तब चीनी सो गई थी, चीनी एंड चीकू भी सो गए थे। चीनी से फिर मैंने पूछा कि चीनी चीकू को कौन सुलाया था, क्योंकि सोते ही नहीं है ना उन लोग मेरे बिना, तो चीनी ने बोला मैंने सुला दिया था चीकू को, और बस दोनों सो गए थे। और मॉर्निंग में अगेन हड़बड़ 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 तैयार होकर गए हैं दोनों स्कूल, और आज मौसम तो ऐसे ही हो रखा है। तो क्या बोल रही थी, यस आज मौसम ऐसे ही है। सॉक्स जो है ना देखो एक जैसे लग रहे हैं, तो मेरे को देखना पड़ रहा है कौन सा कैसा है किसका है। यस थोड़े से जस्ट इसमें हार्ट जो बने हुए हैं ना, एक या दो कलर बस चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो मेरे को दोनों को ऐसे पेयर बना बना के रखना पड़ता है, देखो ऐसे मैं दोनों को ऐसे इकट्ठे रखती हूँ ताकि पेयर मिल जाए इजीली। सो बस ये कपड़े फोल्ड करने का काम भी हो गया मेरा, एंड सब कपड़ों को रखूँगी अपने अपने प्लेस पे प्रॉपर। एंड आफ्टर दैट मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया है, देखो अब मैं घर पे ऐसे ही पड़े रहती हूँ। मुझे रेडियो, मैंने कई वीडियोस बनाई है कि हाउस वाइफ को कैसे स्टाइलिश लगना चाहिए घर पे, बट मैं खुद ही एकदम घर पे ऐसे ही पड़े रहती हूँ क्योंकि मुझे रेडियो होना बिल्कुल पसंद नहीं है।
अब देखते होगे मैं ना व्लॉग्स में भी बिल्कुल रेडी नहीं होती, एकदम नेचुरल जो मैं विदाउट नो मेकअप रहती हूँ ना, वैसे ही मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ। नहीं तो आप बाकी लोगों के व्लॉग्स देखते होगे एकदम रेडी होके, लाइक प्रॉपर ड्रेसअप होके एंड बहुत सारा मेकअप लगा के व्लॉग्स बनाते हैं, बट मुझसे नहीं होता वो चीज़। मैं तो जो रियल मैं हूँ बस वही दिखाना चाहती हूँ, सो मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बट पार्टीज में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, सो यही है। तो कपड़ों का काम कर लेती हूँ मैं एंड उसके बाद थोड़ा सा अपना चेहरा वगैरह ठीक करूँगी, कॉम वगैरह करूँगी, फिर बात करती हूँ मैं आप लोग से। हेलो, लाइट सही नहीं आ रही क्या? जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी हेयर वॉश करके आई हूँ। सो आज है सैटरडे और मिड आफ्टरनून हो गया है, बट आज मैंने नाश्ता के बाद नहाया अच्छे से, मुझे टाइम लगा कि थोड़ा सा नहाना था इसीलिए, क्योंकि सुबह अगर मैं नहा के जाती नाश्ता बनाने के लिए तो मैं कर लेती आराम से, बट बहुत हड़बड़ी रहती, बहुत मुझे एकदम भग के करना पड़ता नाश्ता बनाना, बच्चों को रेडी करना एंड बाकी सबका भी नाश्ता, लाइक पहले तो चीनी का करना एंड उसके बाद सबका नाश्ता बनाना डालना सब, तो इसलिए पूरा नाश्ता का काम निपट गया। उसके बाद मैं नहाने के लिए आई, चीकू को नहलाया एंड उसके बाद मैं नहाई। और आज सैटरडे है तो चीकू की छुट्टी है, सैटरडे को उसका ऑफ रहता है। आंखें नहीं खुल रही है मेरी, देखो कितनी तेज़ धूप है। तो बाल गीले हैं मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, और 12 बज गए हैं पूरे, बट फिर भी धूप में बैठी हूँ मैं। और चीनी आएगी स्कूल से अबाउट 1 आवर के बाद, और मेरा सब काम सुबह वाला हो गया है, नाश्ता, नहाना, सफाई। और आज नाश्ता में क्या खाए हम लोग, मटर की पूड़ी बनाई थी, तो मटर को बॉईल कर लिया था पहले, और उसके बाद मटर को बॉईल करके, आंखें नहीं खुल रही है ना, मैं इधर उधर देख के बातें कर रही हूँ इसलिए, तो मटर को बॉईल कर लिए थे पहले एंड उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिए एंड अदरक, हरी मिर्च एंड लहसुन का अलग से पेस्ट था, पेस्ट बनाया हुआ था, मेरे हस्बैंड बना के रख दिए थे, जब सुबह सब्जी वो बनाते हैं ना तो बना के रख दिए थे, तो फिर वो 1-2 दिन यूज़ हो जाता है, तो उसे डाल दिया था। और धनिया पत्ती काट के डाल दी थी आटे में, नॉर्मल गेहूं के आटे में ये सब चीज़ें डाल दी थी एंड मटर को भी ग्राइंड कर लिया था जैसे मैंने बताया, या फिर आप चाहें तो जब मटर को ग्राइंड करते हैं ना उसी के साथ अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती एंड लहसुन ये सब चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लो एंड उसके बाद नॉर्मल गेहूं के आटे में नमक डाल के मिक्स कर दो तो भी बना सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने डाला था थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, बट अजवाइन भी डालना था मुझे, तो अजवाइन भी डाल सकते हैं आप। बस इन सब चीज़ को डालकर, एंड मोयन डाला था मैंने 1 टेबल स्पून, तो बस इन सब चीज़ों को डालकर आटा लगा लिया एंड जैसे थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं ना कढ़ाई की पूड़ी, जो छोटी वाली पूड़ी रहती है तो उसका आटा जैसे लगाते हैं थोड़ा हार्ड, तो बस वैसे ही लगा लिया एंड उसके बाद पूड़ियाँ उतार ली नॉर्मल पूड़ियों की तरह, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। एंड विंटर में तो मटर जो है एकदम सफिशेंट अमाउंट में आते हैं, तो खाना चाहिए, अच्छा रहता है, सीजनल चीज़ें जो रहती है ना, सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो बस वही मटर का पूड़ी बना था एंड आलू मेथी की सब्ज़ी, तो वो तो मेरे हस्बैंड बना दिए थे क्योंकि बहुत जल्दी बनाना रहता है एंड अब मैं बना भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बनाती। जब कोई फेस्टिवल रहता है ना, जैसे मैंने पहले कई बार व्लॉग में शेयर किया है, नवरात्रि, तीज, रक्षाबंधन, या फिर जैसे रानी सती जी की पूजा करते हैं हम लोग वो, तो उन सब चीज़ों में मैं जल्दी लाइक एकदम अर्ली मॉर्निंग नहा के रेडी होके चले जाती हूँ 5 बजे 6 बजे एंड सब कुछ मैं बनाती हूँ उस टाइम, सब्जी भी मैं ही बनाती हूँ। बट जो नॉर्मल रेगुलर रहता है उसमें मेरे हस्बैंड सब्जी को लाइक
छोंक देते हैं, फ्राई कर देते हैं, लाइक सब्जी को छोंक देते हैं वो। उसके बाद अगर उसे मिक्स करना है, लाइक चलाते जाना है ना लगातार, वो वाला काम मैं कर लेती हूँ, नहीं तो वो भी मेरे हस्बैंड कर देते हैं, मैं बाकी काम करते रहती हूँ, तो बस हेल्प कर देते हैं वो मेरी। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। और बस नाश्ता किए एंड अभी लंच में पता नहीं क्या खाएंगे, देखेंगे। सर दर्द रुकने लग गया अभी तो इतनी तेज़ धूप में। और मैंने मटर की जो पूड़ी बनाई थी उसे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। अराउंड 7:30 गई थी मैं, और जल्दी जल्दी करके बस चीनी को लाइक 8:20 तक बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, नहीं तो फिर उसकी स्कूल बस जो है वो आ जाती है। तो बस उसको खिला विला के सब कुछ करके, कॉम वगैरह करके वो रेडी हो गई थी, टिफ़िन वगैरह डाल दिया था उसका। तो बस इसीलिए फिर मैं ना लाइक कैमरा अरेंज करने का टाइम नहीं था। किसी दिन अगर संडे को मैं बनाऊंगी ना यही सेम रेसिपी तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि संडे को थोड़ा सा लाइक आराम से एक टाइम रहता है करने का, कुछ हड़बड़ी नहीं रहती, रश नहीं रहता, बच्चों की स्कूल भी नहीं रहती एंड हस्बैंड को भी ऑफिस नहीं जाना रहता, तो बहुत लाइक थोड़ा लेट लाइक 10 बजे तक भी करो नाश्ता तो चल जाता है। तो बस वही है, थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे एंड फिर जाती हूँ।